हाय एवरीवन, आशा ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा। बहुत ही आसान रेसिपी है और खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, हमारी आंखों के लिए बहुत ही फायदेमंद है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसे बनाते कैसे हैं देख लेते हैं। उसके लिए हम 700 ग्राम देखिए दोस्तों, सारे गाजर को मैं ग्रेट कर ली हूँ। अब इसे हम देखते हैं आगे क्या करना है। अब गैस पे हम एक कढ़ाई रख दिए हैं और इसमें हम कढ़ाई में अब घी डाल देंगे 2 चम्मच। घी हमारा गरम हो गया है, अब इसमें हम जो गाजर ग्रेट करके रखे थे वो डाल देंगे। अब इसे हम 2 मिनट तक भुनेंगे। 2 मिनट हो गया है हमारे गाजर को भुनते हुए। अब इसमें हम 1/2 गिलास दूध डाल देंगे और मलाई सहित डालेंगे। 2-4 चम्मच हम मलाई डाल दिए हैं इसमें, ताज़ा मलाई, ज़्यादा दिन का मलाई बिल्कुल ना डालें वरना हलवा का स्वाद खराब हो सकता है। अब इसे हम ढक कर पकाएंगे ताकि अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। हमारा गाजर सॉफ्ट हो गया है 10 मिनट के बाद, मैं ढक्कन हटा कर देखी हूँ। अब इसमें हम 1/2 कटोरी मावा डाल देंगे और इसे भी हम अच्छी तरह भून लेंगे। अब इसमें हम स्वाद के अनुसार चीनी डाल देंगे क्योंकि गाजर थोड़ा मीठा होता है। इसमें 4 चम्मच चीनी डाले हैं और इसे भी हम मिला लेंगे। और 2 चम्मच हम नारियल का बुरादा डाल देंगे। अब इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट डाल देंगे। इसमें हम 1/2 चम्मच कुटी हुई इलायची डाल देंगे और इसे भी हम अच्छी तरह मिला लेंगे। अगर आप सबको गाजर की हलवा की रेसिपी बनाने की अच्छी लगे तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।